हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, जो हमारे चैनल का नाम था पहले, अब चेंज होकर इन्वेस्ट फॉरएवर हो गया और यही रहने वाला है। सो डोंट बी वरी एंड वीडियो देखते रहिए जैसे आप देखते रहते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कल की। तो कल की डेट में अगर बात करें, यहाँ पर कुछ वीडियो से रिलेटेड हमने बातें करी थी। यहाँ पर मैंने बताया था ब्रेकआउट शेयर, ओके, पिरामल इंटरप्राइजेस आज के दिन में 10% का अपर सर्किट लगा, फिर उसके बाद अपर सर्किट को चेंज किया सेबी ने, फिर उसके बाद दोबारा भागता हुआ दिखाई दिया और 10% के गेन। क्योंकि कि आप चार्ट पढ़ते हैं ना, और चार्ट पढ़ के फंडामेंटल करते हैं, बिजनेस एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद चार्ट पढ़ते हैं, तो ऐसे ब्रेकआउट होते रहते हैं और हमेशा होते हैं। और इस तरीके की वीडियो हम डेली बेसिस पे लाते रहते हैं। आईआरसीटीसी से रिलेटेड बोला था 3100 का टारगेट है, होल्ड कर लीजिएगा। एक साल में 3100 का मतलब 60% का पैसा आपके पास मिलता रहेगा। तो ये इस तरीके की वीडियो आपके पास आती रहती है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, दूसरे लोगों को जोड़िए ताकि वो भी इस तरीके से सीखे बिजनेस एनालिसिस। तीन फेज होते हैं किसी भी स्टॉक को चूज करने के। बिजनेस एनालिसिस सबसे पहले कि बिजनेस में दम है कि नहीं है, फाइनेंशियल, फिर उस फाइनेंशियल में दम है कि नहीं है, और फिर उसके बाद आता है हमारा ये क्या कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल में मतलब चार्ट को पढ़ना और देखना कि हाँ कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, क्या हमें इस टाइम पे एंट्री लेनी है। टेक्निकल से पता चलता है कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इसी चीज के साथ आज एक और शेयर आपके पास लेके आया हूँ, काफी बेहतरीन शेयर मुझे लग रहा है और उसमें भी ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपके पास ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है क्लिक करें और ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट आप ओपन कराएं, फ्री में आपका ओपन हो जाएगा अकाउंट। और यहाँ पर प्लेलिस्ट में, यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, तीन तरीके की प्लेलिस्ट है। अगर बात करें यहाँ पर ब्रेकआउट शेयर रिजल्ट से रिलेटेड, यहाँ पर आपको वीडियोज मिल जाएंगी। और यहाँ पर स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, किस तरीके से उन्हें यूज करते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जिस शेयर के रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उसका नाम है TTK हेल्थ केयर। देखिए, शेयर बताने में कुछ नहीं है, आपने नाम देख लिया, आपकी मर्जी है आपको वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी। बट मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्यों? क्योंकि देखिए, पूरी एक एनालिसिस होगी तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस में कितना दम है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स की। सबसे पहले मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, 283 रुपीज का शेयर 2010 में आता हुआ दिखाई दिया था, अच्छी खासी रैली थी, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट, और अब दोबारा शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है। ओके, इसके जब फाइनेंशियल भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों शेयर भागता है और क्यों इसके अपसाइड के टारगेट आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। 5 ईयर्स में नेगेटिव, अगर बात करें ईयर टिल डेट तो देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव, और वन ईयर की देखिए यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है। ईयर टिल डेट में अच्छा खासा गेन है, 6 मंथ में अच्छा खासा गेन है, या फिर कह सकते हैं फ्लैट यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स देखते हैं आज के दिन में, तो आज के दिन में लगभग 67% की डिलीवरी, लगभग 7596 यहाँ पर शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। 52 वीक लो की बात करें 403 था, जो कि लास्ट जून जुलाई में था, और इस मई की बात करें तो 734 रुपीज तक शेयर 31 मई को यहाँ जाता हुआ दिखाई दिया था। अब बात करें कुछ और चीजों की, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनके रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, और कंपनी ने यहाँ पर अगर बात करें बहुत बार डिविडेंड भी देती हुई नजर आई है 2016, 17, 18, 19, 20, मतलब कंसिस्टेंसी में यहाँ पर डिविडेंड देती हुई कंपनी नजर आई है। और 75% के शेयर लगभग प्रमोटर्स के पास है और कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। ये चीज बताती है कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी के लिए किस तरीके से अच्छे खासे करते हैं। तो बात करें यहाँ पर कंपनी करती क्या है, जो कि बिजनेस एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कंपनी जो करती हुई नजर आती है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, एनिमल वेलफेयर में, ओके, यहाँ पर बात करें यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस में, एज वेल एज अगर बात करें मेडिकल डिवाइसेस जो कि क्या कहते हैं PLI स्कीम के अंडर आते हैं, और फूड्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, प्रोटेक्टिव डिवाइस में, और यहाँ पर पब्लिकेशंस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और एक एक करके आप इसे अगर ओपन करते हैं तो आपको पता चलेगी इनके प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए ईवा, यहाँ पर परफ्यूम डिवाइन, ये सारे रूम फ्रेग्रेंसेस, ओके, यहाँ पर स्कॉच वगैरह से रिलेटेड इन द सेंस, यहाँ पर लुब्रिकेंट, ये क्या कहते हैं, अगर नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब
घर को प्योरीफाई करने के लिए जो यूज किया जाता है, ये प्रोडक्ट्स इसमें काम करती हुई कंपनी नजर आती है। ओके, रूम फ्रेशनर, सॉरी। और अगर यहाँ पर और भी कुछ चीजें देखी जाती है तो यहाँ पर और भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स इनके देख सकते हैं आप। फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट क्या क्या है तो एक एक करके यहाँ पर इनके यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। ओके, यहाँ पर ओसोपैन में ये कंपनी काम करती हुई है, मायोकार्डिस्ट, ये इन्हीं चीज इसी के डिवाइस मतलब इसी के प्रोडक्ट्स है, एज वेल एज और भी प्रोडक्ट्स इनके अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जाके एक एक करके देख सकते हैं। एनिमल वेलफेयर में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एनिमल वेलफेयर मतलब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स होंगे शायद, या फिर वेलफेयर से रिलेटेड जो भी कुछ होगा यहाँ पर देख सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पर देख सकते हैं, इनके खाने पीने की चीजें एज वेल एज दवाइयों से रिलेटेड कुछ काम होगा क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। एज वेल एज अगर बात करें या मेडिकल डिवाइसेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो मतलब कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। हर्ट हर्ट से रिलेटेड कंपनी मेडिकल डिवाइसेस बनाती हुई नजर आती है। तो हर चीज यहाँ का बिजनेस मॉडल मुझे काफी पसंद आया। ओके, और अगर बात कर लेते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइस, प्रोटेक्टिव डिवाइसेज एंड फूड्स में कंपनी काम करती हुई है। देखिए, माइक्रो कैप कंपनी है, ज्यादा पैसा यहाँ पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, बट आप अपने हिसाब से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से ही कुछ आप स्टडी करिएगा। यहाँ पर ये जो भी वीडियो बनाई जाती है नॉलेज के पर्पज से बनाई जाती है। नॉलेज लीजिए, अपनी स्टडी यूज करिए, अपना दिमाग यूज करिए और फिर आगे बढ़िए, आप अच्छा खासा पैसे बनाएंगे। आरओसी की बात करें, 10% के आरओसी है। देखिए, आरओसी आरओई मैटर करता है, बट कुछ शेयरों में जब जहाँ पर ब्रेकआउट आने वाला होता है ना, वहाँ पर केवल शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पर भी मैं ट्रेडिंग के लिए ही बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बता रहा हूँ। पी की रेशियो की बात करें, 24 का पी रेशियो है। डेट की बात करें, 6% का डेटा ना के बराबर डेटा। प्लेजिंग की बात करें, कोई शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है। ये बहुत सारी इसकी अच्छी बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल्स की, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। तो देखिए, सेल्स 17 जुलाई 2018 में 173 करोड़ रुपए की सेल्स थी। ओके, जो कि घटते पहले घटी फिर उसके बाद बढ़ी, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते अभी जो इस बार की सेल्स है पिछले दो क्वार्टर की, वो हाईएस्ट एवर सेल्स है पिछले 12 क्वार्टर में। प्रॉफिट की बात करें, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है पिछले 3 क्वार्टर का। एज वेल एज बात करें यहाँ पर ईयरली सेल्स की, पहले यहाँ पर देखिए 252 करोड़, फिर उसके बाद 311, 354, 382, 416, 483, 519, 528, 578, 628, 646 और 637, मतलब हाईएस्ट एवर, मतलब कंसिस्टेंसी ईयरली वाइज यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखाई रहा है कंपनी की। यहाँ हम परफॉर्म करना जानते हैं, मैनेजमेंट जानता है कि कैसे परफॉर्म करना है, तो ईयरली परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है और हाईएस्ट एवर पिछले दो क्वार्टर तीन क्वार्टर में यहाँ पर तीन ईयर्स में यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर रिवेन्यू होते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिट की बात करें, हाईएस्ट एवर ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और हाईएस्ट एवर यहाँ बात करें इस बार का जो प्रॉफिट है पिछले 12 साल 10 साल में यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा है। बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स यहाँ पर देखिए, 57 करोड़ का रिजर्व 281 करोड़ के रिजर्व्स में चेंज हो गया है। बोरिंग की बात करें, अभी बोरिंग 28 करोड़ थी तो इस बार इन्होंने घटा दिया है, लगभग 19 करोड़ की बोरिंग रह गई है। और बात करें फिक्स एसेट, यहाँ पर 85 करोड़ रुपीस का यहाँ पर फिक्स एसेट भी है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, 13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है। और यहाँ पर और भी कुछ चीजों की बात करें, ट्रेड रिसीवेबल 60 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें, 228 करोड़ रुपए का कैश भी कंपनी के पास है और टोटल एसेट भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैश जो और जो कंपनी कमाती है वो यहाँ पर नजर आ जाता है इनकी बैलेंस शीट पे। आरओसी ही यहाँ पर पहले काफी बेहतरीन थी, अभी थोड़ी घटती हुई नजर आ रही है, बट दोबारा यहाँ पर पीक पकड़ रहा है और अच्छे खासे जो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है 20% तक आरओसी भी आ जाएगी। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, 75% की यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रमोटर्स है। एज वेल एज बात करें एफआईएस की, तो 1.99% की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें, 2.29% की होल्डिंग है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास केवल और केवल कितने परसेंट की होल्डिंग है, देखें यहाँ पर ये अगर बात करें एचएनआईज ने यहाँ पर ले रखा है 6.37, 1.3, तो अगर यहाँ पर 7% के लगभग यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो हमारे हाथ में हिस्सेदारी कितनी बचती है, केवल 13 और 14% के आसपास की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, बाकी सारी हिस्सेदारी यहाँ पर अच्छे हाथों में है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाईएस्ट एवर जब रिवेन्यू हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिजल्ट पेश करती हुई कंपनी नजर आए तो ऐसी कंपनी को छोड़ा नहीं करते। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ चार्ट पैटर्न की। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर कंपनी का बात हुई, यहाँ पर 2015 से यहाँ पर चार्ट पैटर्न यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर अगर मैक्सिमम यहाँ पर भी देख लेते हैं तो यहाँ पर कब ये 2010 में आती हुई दिखाई दी है, बट चार्ट पैटर्न यहाँ पर 2015 से है, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं, पहले तो बात कर लेते हैं हाईएस्ट एवर यहाँ पर जो इसके रिवेन्यू आते हुए दिखाई दिए।
यहाँ पर अगर देखें हाईएस्ट एवर, यहाँ पर अगर बात करें हाई, ये कभी ऑल टाइम हाई कहाँ पर थी, लगभग 1432 रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया था, 1450 रुपए तक। और अभी आज की डेट में बात करें तो लगभग हाफ से भी कम यहाँ पर नजर आता है। ओके, हाफ कह सकते हैं, हाफ के आसपास ये शेयर का काम करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर अगर मैं एक बार ड्रॉइंग को हटा लूँ और आपको अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर बताऊँ, तो यहाँ पर देखिए बार बार मल्टीपल लेवल्स पे यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ शेयर नजर आ रहा है। पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर एक बार यहाँ पर लिया, फिर अब देखिए दो बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और दोबारा जब यहाँ पर से जा रहा है, और यहाँ पर से इस बार जब ब्रेकआउट करेगा, ओके, इस बार ब्रेकआउट देगा तो ये शेयर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और कितने रिटर्न इसके मिलेंगे तो वो हम बात कर लेते हैं। और इसके ऑल टाइम हाई हम देख ले तो लगभग यहाँ पर नजर आता है इसका ऑल टाइम हाई 1450 के लगभग। और यहाँ पर अगर चार्ट पैटर्न देखे तो यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है, एक शोल्डर यहाँ पर, ये अगर बात करें ये हेड बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ देख लीजिए, और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और जब इस तरीके के टेक्निकल और क्लासिकल यहाँ पर ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न बनते हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ, तो ये जो रिजल्ट उस टाइम आते हैं ना, ये जो अगर बात करें जो ये टारगेट होते हैं, ये टारगेट डेफिनेटली यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके टारगेट की, तो यहाँ पर ये टारगेट हमें अचीव होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख लीजिए कितना परसेंट का है, ये तो इसके जो लाइन है इधर से। बट अभी शेयर कहाँ चल रहा है, अभी शेयर चल रहा है यहाँ पर लगभग 1600 के आसपास यहाँ पर शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। सॉरी, अभी जो यहाँ पर चल रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पर से अगर हम देख लेते हैं तो अभी जो टारगेट हमें नजर आ रहे हैं लगभग 82-83% के, 80% तक के यहाँ पर टारगेट हमें साफ नजर आ रहे हैं, जो कि 1200 रुपये तक का टारगेट बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अभी नीचे, यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है, तो शायद थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखाई दे। तो अभी जैसे ही थोड़ा सा और नीचे जाता है ना, तो यहाँ पर आप खरीदने की कोशिश करिएगा, और फिर ऊपर जब ये जाएगा, यहाँ पर देखिए एक तो टारगेट यहाँ बन जाएगा पहला टारगेट, जो कि इसका यहाँ पर 727 तक है, लगभग 2-3% का ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। फिर उसके बाद जब ये यहाँ पर से ब्रेकआउट देगा, तो अगले टारगेट ये इसको ही अचीव करेगा, जो कि अगर बात करें इसका और लगभग लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 1200 रुपए के टारगेट के लिए, लगभग 78% के टारगेट के लिए अगर आपको 1 साल भी रुकना पड़े, तो आपको डेफिनेटली रुकना चाहिए, और ऐसे अच्छे खासे रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आएंगे। बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही आपको कोई पोजिशन लेनी है। बाकी अगर मैं और कुछ चीज आपको बताना चाहूँ, तो देखिए यहाँ पर जब 5 मार्च 2018 चल रहा था, तब हाईएस्ट लेवल यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया था। ओके, और अगर हम कैलकुलेट करते हैं अब मार्च में ईयरली वाइज, तो 578 करोड़ का रिवेन्यू था, और 637 का इस बार है, मतलब रिवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट की भी बात करें तो प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पर लगभग लगभग 3 गुना से 4 गुना यहाँ पर ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब यहाँ पर ये चीज बढ़ती, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके, एज वेल एज यहाँ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट कंपनी करती हुई नजर आ रही है। तो और हाईएस्ट एवर यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे भी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर सब चीज जब पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि ये शेयर इस लेवल तक भी बहुत जल्दी पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, ये यहाँ पर सिंपल नॉलेज के पर्पज से वीडियो बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।